स्वागत आपका आपके अपने चाणक कोचिंग में। तो चैप्टर हमारा चलेगा रीजनिंग के अंदर, तो हेडिंग लगाओ भैया पहले रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति में चैप्टर होगा हमारा आज क्लॉक यानी घड़ी। ठीक है, तो बस क्या करिएगा रीजनिंग की हेडिंग लगाइएगा और टॉपिक का नाम डालिए उसमें घड़ी यानी क्लॉक। लग गई हेडिंग? चलो तो बात करते हैं घड़ी के बारे में कि घड़ी क्या है और क्या इसमें कंडीशंस है। ठीक है, तो हम जिस घड़ी की बात करेंगे वो होगी एक डायल घड़ी जिसमें एक गोल डायल होगा। ठीक है, उस डायल से बारे में बातें होंगी। तो तुम भी आगे आओ, पीछे आगे हो, आगे इन्हें बुला दो, इधर बैठो बैठो बैठो। हाँ तुम भी आओ मेरे पास आओ। हाँ एसी बंद कर दो, एसी से तो जगह चेंज करो ना, तुम एसी के पास क्यों बैठे हो, पीछे बैठो। एसी की जगह तो बदल नहीं सकती है, वो तो बेचारा वहीं रहेगा चुपचाप। तुम अपनी जगह बदल सकते हो, तो मत बैठो ना इधर, उधर जाओ। हाँ जी, तो हेडिंग है घड़ी यानी क्लॉक, सही है। अब इसमें क्या समझना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो घड़ी होती है इसमें जो सुइयां होंगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले घड़ी के अंदर जो निशान आप देखते हैं, भाई 12 होता है यहाँ, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। 12, 3, 6, 9 इन पर नंबरिंग होती है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये नंबरिंग है। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल होता है तो आप जानते होंगे पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पूरा जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और इसमें कुल खाने कितने हो गए, 12। कुल कितने खाने हो गए, 12। तो 360 डिग्री में 12 खाने हो गए। ठीक है, तो 360 डिग्री में 12 खाने हैं। तो ऐसा करो इसके पार्टीशन करते हैं हम लोग, इसके पार्टीशन करते हैं। देखो ये पूरा 360 डिग्री का है। ठीक है, अगर मैं इसे 400 में बांट देता हूं तो इससे क्या पता चलेगा, ये एक ब्लॉक 90-90 के चार हिस्से हो गए, भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90-90 के चार हिस्से हो गए। ठीक है, अच्छा अब ये 90 के चार हिस्से हैं और बात करेंगे जब इसके बारे में, तो इसमें एक काम करना है आपको। अब ये जो 90 के चार हिस्से हैं भी, तो इसमें अगर आप इनको देखेंगे, इसमें भी तो यहां 3 हिस्से हो रहे हैं, इसमें भी टोटल कितने हो रहे हैं, 3 हिस्से। अब ये 90 के पूरा पार्ट था, उस 90 में 3 हिस्से हो रहे हैं, सही है। तो ये कितने कितने के होंगे, 30-30 डिग्री के, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। इससे हमें पता चला कि जो एक ब्लॉक है 12 से एक, एक ब्लॉक 30 डिग्री, एक से दो, एक ब्लॉक 30 डिग्री। तो जो एक ब्लॉक होगा वो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी ये होगा कि ये जो 30-30 डिग्री के आप ब्लॉक देख रहे हैं, इस 12 से 1 में भी तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 5 टुकड़े होते हैं। 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। तो आप देखेंगे इनमें 5 टुकड़े होते हैं, कितने टुकड़े हो गए, 5। और ये पूरा ब्लॉक 30 डिग्री का है, तो जो एक छोटा वाला
छह का हो गया ना, छह पंजे तीस, छोटा वाला कितने का हो गया, छह का। इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक छोटा वाला हिस्सा है, एक हिस्सा, ठीक है बैठ भैया, ये जो छोटा एक हिस्सा है कितने डिग्री का हो गया, छह डिग्री का, सही है भाई। छह छह डिग्री के पांच टुकड़े हैं तभी तो छह पंजे तीस हुआ, तो छोटा वाला जो टुकड़ा होगा ये छह डिग्री का होगा। तो छह डिग्री, छह डिग्री, छह छह छह, और छह का पांचवा, छह पंजे तीस। तो पहला तो घड़ी के अंदर कितने डिग्री की पोजीशन कहां होती है ये हमें पता होना चाहिए। यहां तक ओके हुआ? हो गया? तो घड़ी के अंदर जो छोटा ब्लॉक होता है वो कितने का होगा, छह डिग्री। एक बार देखना भैया, लाइव क्लास आ रही है मोबाइल पे, देखना कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो छोटा वाला टुकड़ा कितने का हो गया, छह डिग्री का। तो फटाफट से पहले तो ये एंगल समझ लो, ठीक है, कि भाई पूरा होता है 360 डिग्री का, ठीक है। हमने चार हिस्से कर दिए, 90 90 के चार हिस्से हो गए, 9 6 36 360, और ये 90 में भी तीन टुकड़े हैं, 30 30 डिग्री के तीन टुकड़े होंगे, यानी एक ब्लॉक 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और उसमें भी क्या होगा, पांच टुकड़े होते हैं, छोटा वाला टुकड़ा कितने का हो गया, 6 डिग्री का, सही है। तो ये तो हो गया घड़ी के अंदर डिवाइडेशन। विष्णु गुड मॉर्निंग भैया, तो यहां तक ओके है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे, घड़ी की जो सुइयां हैं, कितनी सुई होती है घड़ी में, तीन, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। तो घड़ी में चूंकि तीन सुइयां होंगी, ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे घंटे की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल, ठीक है। स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई की चाल, घंटे की जो सुई होती है वो किस चाल से चलती है, क्या होती है घंटे की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल होती है आधा डिग्री पर मिनट। पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। घंटे की सुई की चाल कितनी होती है, आधा डिग्री पर मिनट, ठीक है। मिनट की सुई की चाल, मिनट की सुई की चाल, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई की जो चाल होती है वो क्या होती है, ठीक है। कृष्णकांत गुड मॉर्निंग भैया, तो ये होती है भैया कितनी, 6 डिग्री पर मिनट, सही है। मिनट की सुई की चाल कितनी होगी, 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो घंटे की सुई की चाल आधा डिग्री पर मिनट, मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब बात आएगी सेकंड की सुई की चाल, सेकंड की सुई की चाल, स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, इसकी कितनी होती है, सेकेंड की सुई की चाल 360 डिग्री पर मिनट, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 360 डिग्री पर मिनट। तो पहले इन्हें नोट करें और ऐसा क्यों है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो सेकंड की सुई की चाल होगी 360 डिग्री पर मिनट। सचिन कुमार वेरी गुड मॉर्निंग,
तो तीन पॉइंट हो गए, याद रखिएगा। इनमें से ज्यादा जरूरत जो हमें पड़ेगी वो इस पहले और दूसरे की पड़ती है, इसकी जरूरत तो ना के बराबर, कभी कभी शायद एक आध क्वेश्चन में कभी पड़े और शायद ना ही पड़े, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम इन दोनों से ही हो जाएगा, ठीक है। घंटे की सुई की चाल और मिनट की सुई की चाल। अब ये आधा डिग्री पर मिनट और छह डिग्री पर मिनट जो है वो कैसे है, वो चीज मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे देखो, 12 बज रहे हैं, दोनों सुई कहाँ है, 12 पर, एक घंटे बाद, ये 12 पर और ये एक पर, एक घंटे में 12 से कहां पहुंची, एक पर। तो ये बताओ घंटे वाली सुई, बल्कि अगले पेज पे लेते हैं इसे, ठीक है। चलो घंटे वाली सुई की बात चल रहे हैं, आवर एंड, घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 बजे कहां होती है, 12 पर, और एक घंटे बाद 1 बजे, ये 12 पे और ये 1 पे। तो ये बताओ घंटे की सुई एक घंटे में 12 से 1 पे आ गई, घंटे की सुई एक घंटे में कितना चली आई, 12 से 1 पे, 12 से 1 पे आ गई। तो हम जानते हैं 12 से 1 का मतलब 30 डिग्री, 12 से 1 का मतलब 30 डिग्री। तो घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री चल गई, 30 डिग्री। घंटे की सुई 12 से 1 पे आ गई, एक घंटे में 1 से 2 पे आएगी, 2 से 3 पे आएगी। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री, ठीक है। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री, हिसाब लगाओ एक घंटे में 30 डिग्री, या फिर ये बोल दें 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो बताओ एक मिनट में कितना, एक मिनट में 30 बटे 60 डिग्री, मतलब कि आधा डिग्री। ये लो जी, घंटे की सुई की स्पीड आ गई आधा डिग्री पर मिनट, सही है, आधा डिग्री पर मिनट। अब बात करेंगे मिनट हैंड की, मिनट हैंड 12 बजे दोनों सुई कहां थी, 12 पे, 1 बजे क्या हुआ, 1 घंटे में 12 से 1 पे आई है। मिनट की सुई, मिनट की सुई एक घंटे में 12 से लौट के 12 पे नहीं आ गई, घंटे की सुई तो एक घंटे में 12 से 1 पे ही आई है, मिनट की सुई एक घंटे में 12 से 12 पे आ गई, कितना चल गई, एक चक्कर लगाई पूरा, एक चक्कर तो 360 डिग्री का होता है। तो मिनट की सुई एक घंटे में, एक घंटे में 360 डिग्री, और एक घंटे को 60 मिनट भी तो कहते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री, एक मिनट में 360 बटे 60 डिग्री यानी 6 डिग्री, सही है। तो मिनट की सुई की चाल हुई 6 डिग्री पर मिनट, सही है। और सेकंड की सुई की बात करें अगर, तो उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड हैंड मतलब सेकंड की सुई, ठीक है। सेकंड की सुई में कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सेकंड की सुई एक मिनट में एक चक्कर लगाती है, सेकंड की सुई कितने पर है, 12 पर, एक मिनट बाद 12 पर है सुई, एक मिनट बाद 12 पर ही होगी। तो सेकंड की सुई में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, तो वैसी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली सुई एक मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, सहमत है इस बात से, एक मिनट में एक चक्कर, और एक चक्कर कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, एक चक्कर कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, सही बात है। बस तो फिर तो एक मिनट में 360 डिग्री, ये तीनों की स्पीड है, ठीक है। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग, नेहा नमस्ते। तो ये आपकी स्पीड है तीनों सुइयों की, ठीक है। तो अब इसको याद रखिएगा, समझ में आया अगर ये तो अच्छी बात है, और ना समझ में आए तो और अच्छी बात है। याद ये रखना है, ये समझ याद रहना चाहिए बस, जब भी पूछा जाए घंटे की सुई की चाल बताओ, एक, एक बटे दो नहीं, आधा डिग्री पर मिनट, एक बटे दो डिग्री पर मिनट, एक बटे दो क्या होता है,
चाल कैसे पुकारेंगे? अरे चाल पूछेगा तो बताओगे ना, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, ऐसी होगी ना। तो चाल आधा डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, याद रहेगा। बस सवाल शुरू होते हैं यहां से, रेडी हो जाइए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए तो अब करते हैं हम लोग सवाल। अरे दुनिया खाली पड़ी है, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, बैठो। चलिए सवाल शुरू, आंसर देना शुरू करें। घंटे की सुई 48 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? घंटे की सुई 48 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? घंटे की सुई की स्पीड जानते हो? 1 मिनट में आधा डिग्री, आधा डिग्री पर मिनट, आधा डिग्री पर मिनट, सही है। और हम बात कर रहे हैं कितने मिनट की? 48 मिनट की। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 48 मिनट में 24 डिग्री आंसर। बस इतनी सी बात है, क्योंकि घंटे की सुई का एंगल पूछा है ना, घंटे की सुई आवर एंड, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 48 मिनट में 24 डिग्री, सिंपल। तो ये तो फिर आसान सी बात लग रही है, कोई खास मुश्किल की बात तो नहीं लग रही। चलो आगे पता चले, यहां तक तो आसान ही है, सही है। आगे देखते हैं, तो आंसर ओके 24 डिग्री पर मिनट। किसी को कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो हल्का सा ऊपर का दिएगा, पूछ लेंगे हाँ जी भैया कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत, बीच बीच में पूछता रहूंगा। चलो अगला, मिनट की सुई 27 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी? मिनट की सुई 27 मिनट में, अब मिनट की सुई की चाल तो हम जानते ही हैं, आधा डिग्री पर मिनट, क्यों? मिनट की सुई की चाल तो हमें पता ही है, 6 डिग्री। अच्छा मिनट की सुई 6 डिग्री, सही बात है, आधा कर देते हम तो, 6 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री और 27 मिनट में गुणा 6, तो मिनट की सुई चूंकि बात चल रहा है ये मिनट हैंड, 1 मिनट में 6 डिग्री, 27 मिनट में 27 गुणा 6, 42 को तो 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 डिग्री आंसर। लगी रहा था घड़ी का टॉपिक, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, पता नहीं क्या पूछेगा, ऐसा कुछ खास लग तो रहा नहीं है वैसे घड़ी में, सरल टॉपिक है ना। सोच ही रहा था मैं, घड़ी जैसा लग रहा है, शब्द भारी भरकम, पता नहीं क्या पूछे घड़ी में, कैसे पूछेगा कैसे बताएंगे, लेकिन ऐसी कोई खास बात लग नहीं रही, आसान सही है। चलो और देखते हैं आगे आगे क्या रहता है। ठीक है नेहा कौशल, बिल्कुल सही जवाब दोनों के। तो 36 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? वॉट एंगल मेड बाई आवर हैंड इन 36 सेकंड? मन में सोचेंगे, एबीसीडी करवाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, मन में सोच लीजिए एबीसीडी। लास्ट बेंच, मन में सोचो जल्दी एबीसीडी क्या होगा आंसर। माना कि हो गया, चेक करें। ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग। तो घंटे की सुई की चाल जानते हैं आप कितनी होती है? घंटे की सुई की चाल होती है आधा डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, और ये कितने मिनट है? 36 सेकंड। तो पहले 36 सेकंड को मिनट में नहीं बदल दोगे,
छत्तीस बटे साठ। अब तो मिनट हो गए ना, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, साठ। तो साठ से भाग लगाओगे तो सेकंड मिनट में नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो 36/60 काट लो, 6 से, 6 से 6 बार, 6 से 10 बार, 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। तो मिनट हो गए कितने, 3/5 मिनट। अब सही है, इतने मिनट में बताना है। और एक मिनट में आधा डिग्री, जब एक मिनट में आधा डिग्री तो इतने मिनट में गुणा कर दो, 3/10 डिग्री। आंसर डी सही है, 3/10 डिग्री। तो मुश्किल बात तो ये भी नहीं लगी वैसे, है ना, बस सेकंड को मिनट में तो बदला। तो 60 से भाग लगा दोगे, मिनट में आ गया 3/5 मिनट, और एक मिनट में आधा डिग्री, 3/5 मिनट में गुणा कर दो, आंसर 3/10 डिग्री। कोई दिक्कत, अगला सवाल। ठीक है, एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय नजर आता है, जब दोपहर में 2 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी। मन में सोच लो ABCD। मन, सुबह 8 बजे का समय नजर आता है, जब 2 बजे का समय नजर आएगा दोपहर, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम लेगी। मन, सोच लिया, चेक करो। तो ए वाले लोग 144, 150, 168, 180। इतनी जल्दी किया कैसे आपने, घंटे होंगे, घंटे को मिनट में बदला होगा, फिर किया होगा, फिर मतलब टाइम लग गया होगा, नहीं कैसे किया, 6 ब्लॉक। अच्छा, आपने ब्लॉक से पकड़ा, ओके। यानी कि ये हुआ कि घंटे की सुई की चाल दो तरह से रख सकते थे हम लोग, एक तो हमने रखा आधा डिग्री पर मिनट, एक हम इसको ये भी कह सकते हैं 30 डिग्री प्रति घंटा, ऐसे भी तो कह सकते हैं, 1 घंटे में 30 डिग्री। अरे 1 घंटे में 1 ब्लॉक पार कर जाती है, 12 से 1 पे आ गई, 12 से 1 पे आ गई, 1 घंटे में 1 ब्लॉक 30 डिग्री का। तो चाल मिनट की, घंटे की सुई की अब दो तरह से लेंगे, मिनट में लेंगे तो आधा डिग्री पर मिनट, और घंटे में लेंगे तो 30 डिग्री प्रति घंटा। 1 घंटे में 12 से 1, 1 ब्लॉक 30 डिग्री, 2 घंटे में 12 से 2, 2 ब्लॉक 60 डिग्री। तो जब ज्यादा दूरी तय करनी होगी तो हम लोग मिनट से थोड़ी चलेंगे, घंटे से चलेंगे। अरे छोटा मोटा काम करना है तो खेरिज ले जाओगे, अब कोई बड़ा काम करना है तो खेरिज थोड़ी ले जाओगे, समझ रहे हो। वैसे तो लोग ऐसे करते हैं, मुझे किसी में देखा था, उसमें कार खरीदने खेरिज ले गया ट्रक में भर के, वो तो ऐसे अपवाद है, वैसे टाइम ही खराब करने की बात है, ठीक है ना। तो जब बड़ा काम करोगे तो भैया 2-2 हजार के नोट ले जाने पड़ेंगे ना, जल्दी काम होगा, ठीक है। 2 हजार के तो बंद ही हो गए। हाँ, मेरे पास तो नोट ही नहीं है आजकल, पता नहीं चल रहा क्या बंद क्या, हम तो 100-100, 50-50 में घूम रहे हैं, 2 हजार के बंद हो गए भैया, है ना। तो 500-500 ले जाने पड़ेंगे, चेक ले जाना पड़ेगा, ड्राफ्ट ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे एक मिनट वाले से काम नहीं चलेगा, घंटे वाली स्पीड पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो घंटे वाली स्पीड से चलेंगे, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। 8 से दोपहर 2 कितने घंटे, 6 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। तो टोटल टाइम हुआ 6 घंटे, और स्पीड हम जानते हैं, घंटे की स्पीड 30 डिग्री प्रति घंटे। तो एंगल की बात करेंगे जब, तो 30 डिग्री प्रति घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री, जब 1 घंटे में 30, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। थैंक यू देव, एक सौ अस्सी डिग्री, ठीक है। एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, ठीक है, एक क्लॉक टर्न ऑन द एट नून टाइम, मध्याह्न को शुरू होती है, ठीक है। और आवर हैंड रोटेट एट हाउ मेनी एंगल
5:10 PM। घंटे की सुई 5:10 पर कितने डिग्री घूम चुकी है? मन में सोचिए, मन नहीं। हाँ, समझ में आया। क्वेश्चन चार में क्या दिक्कत आई? अभी समझ लेते हैं दोबारा। हाँ जी, ए वाले लोग 145, 150, 150 और कोई 60, 55। तो अब क्या करना है इसमें, समझो। तीसरा वाला अभी चेक कर लेंगे। देखो, ये बोल रहा है 5:10 और मध्यान्ह को मतलब होता है 12 बजे। मध्यान्ह का मतलब कितने, 12 बजे से 5:10 कितना टाइम हो गया, 5:10। तो टाइम टोटल हुआ 5:10। सही। अब ये बताओ, जब घंटे हैं तो घंटे में तो घंटे की स्पीड लगेगी, तो घंटे में स्पीड क्या आती है, 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 तो 5 घंटे में 5 × 30 प्लस मिनट वाले में मिनट वाली स्पीड लगाएंगे, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 10 का 1/2। तो 150 + 5 = 155 डिग्री आंसर। ना 50 और ना 60, 155। आई बात समझ में? किसी ने ऐसा तो नहीं किया कि 150 + 10 कर दिया हो गलती से? हाँ, ये हुआ है। तुम पीछे बैठ गए ना, इसलिए इन्हें भेजो मेरे पास आगे। भैया को आज आ जाओ, मैं सोच ही रहा था जगह खाली सी है, क्या दिक्कत है आज? और आंसर देखो गलत हो गए तुम्हारे। ऐसा होता है, कुछ तालमेल है चीजों का। बैग उठा लो, ले आओ पूरी दुनिया उठा के आओ। अब देखना गलत नहीं होगा आंसर तुम्हारा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग रहेगा। पास में बैठो तुम मेरे पास, ठीक है? चिंता ही मत करना, गलत हो गया पीछे बैठ के। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला, बच्चा बैठ गया कोई बात नहीं, लेकिन गलत करेगा तो दिक्कत है ना। चलिए बात नहीं, देखो भी बात सुनो। अभी तक तुमने जितने भी सवाल किए हैं, अभी तक जितने भी सवाल किए हैं, वो सारे सवाल केवल या तो घंटे की सुई द्वारा चला हुआ कोड पूछ रहा था, केवल किसके द्वारा, घंटे की केवल, या फिर वो सवाल केवल मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी ये पूछ रहा था। सेकंड का खैर कोई सवाल आया नहीं, आता तो हम फॉर्मूला लगाते बता देते, पूछने कोई वाली बात नहीं रही, इसलिए हमने बताया नहीं। अगर सेकंड की बात करता तो हम सेकंड का भी फॉर्मूला लगा के बता देते। सही है, किसका बता देते हम, सेकंड का बता देते, एक एक सेकंड का हिसाब बता देते हम, ठीक है? मोबाइल मोबाइल तक का हिसाब बता देते, रख लो जेब में, ठीक है? तो सेकंड का पूछा नहीं, इसलिए बात नहीं हुई, जिक्र नहीं हुई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट हैंड, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। अभी तो केवल क्या कर रहे थे, केवल घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, केवल मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। तीसरा पॉइंट जो आएगा, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे, वो होगा जो अब हेडिंग है हमारी, घंटे तथा मिनट की सुइयों के
बीच का कोण, ठीक है, एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। अब ये बात पूछेगा केवल घंटे की सुई कितना चली वो नहीं पूछेगा, केवल मिनट की सुई कितना चली वो नहीं पूछेगा, जो भी टाइम देगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, जो भी टाइम देगा उस पर्टिकुलर टाइम पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल क्या होगा ये पूछेगा। तो इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है और वो लगाएंगे आंसर आएगा। किसे याद है बोलो बोलो, 16 inch डिफरेंस अपॉन 2। और भी कोई याद है किसी को इसके अलावा, m अपॉन 11 अपॉन 2 m डिफरेंस 30 h, ये हो गया एक। और भी कोई याद है, ठीक है देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, इसे दो तरह से लिखते हैं, या तो ऐसा लिखो 60 h डिफरेंस 11 m बाय 2, या 2 से भाग लगा दो दोनों में, 2 से दोनों भाग लगा दो, तो 60 में 2 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा 30 h, 11 में 2 से भाग लगाओगे 11 बट्टे 2 m, बात तो एक ही है। इसको आगे लिखो इसे पीछे लिखो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, करना तो हमें डिफरेंस ही है, करना तो हमें डिफरेंस ही है, इसलिए इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पाए बात को। तो ये लिखने के दो तरीके हैं, लिख लो आप भी। जिसमें h और m क्या है, ये टाइम होता है जो गिवन टाइम होता है ना क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन टाइम होता है, दिया गया समय, दिया गया समय जिस समय पर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, सही है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया जैसे 2:30, तो ये दो जो घंटे हैं h फॉर आवर m फॉर मिनट, तो इस फॉर्मूले में हमें h की जगह 2 और m की जगह 30 लगाना चाहिए। h और m क्या है, h फॉर आवर m फॉर मिनट, कितने घंटे कितने मिनट, जैसे मान लो टाइम दिया 2:30 पर, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा क्वेश्चन है। तो अब 2:30 जो समय दिया है, 2 घंटे हैं, तो h फॉर आवर 30 मिनट है m फॉर मिनट, तो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में h की जगह 2 और m की जगह 30 लगाना है, समझ पाए बात। h और m क्या है, दिया गया समय होता है वो h और m होता है। सवाल पे आते हैं सीधे, 2:30 को उठा लेते हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बजते कैसे हैं भाई, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है, और बज रहे 2:30, ये सुई होगी 6 पर और ये होगी 2 और 3 के, तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है वो, घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल, सही है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, घंटे मिनट की सुई के
बीच का एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल हम तलाश करना चाहते हैं। तो इसमें टाइम जो गिवन है हमारा वो क्या है, 2:30, 2:30। तो इसमें क्या हुआ, h for 2 m for 30, इसे उठा के फॉर्मूले में लगाओ। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा बराबर 60 h डिफरेंस 11 m/2। ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो h की जगह 2 लगाओगे तो ये कितना होगा, 60 × 2 डिफरेंस 11 × m की जगह 30/2। ठीक है, तो 6 × 12 = 120 और डिफरेंस 330/2। अच्छा, बड़े में छोटा, ये बढ़ाओ तो इसमें से घटाओ, ये बढ़ाओ तो इसमें से घटाओ, 330 में 120 घटाओ, 330 में 120 210 105 डिग्री का एंगल होगा। यानी 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होगा वो 105 डिग्री का होगा। बस सीधा फॉर्मूला, सीधा आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं ज्यादा। ठीक है, और बात करें कि ये फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला भी तो बना होगा। तो फॉर्मूला ऐसे बना होगा, मान लो एक पर्टिकुलर टाइम है h/m min, एक पर्टिकुलर टाइम है h/m min, और मैं जानना चाहता हूं कि इस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, चलो इसे भी छोड़ो, आप यहीं से देखो, इसी को देखो 2:30। तो एक बार बताओ, घंटे की सुई कितना चली होगी, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 12 से काउंट करते हैं हमेशा हम, तो 12 से कहां तक पहुंची, यहां तक। तो घंटे की सुई भी तो 2.5 घंटे चली है, दोनों को हम 12 बजे से काउंट करेंगे। कितने बजे से, पहले 12 से काउंट करो, तो 12 से काउंट करोगे तो 12 से यहां तक आई है, तो कितने घंटे चली है, 2 घंटे 30 मिनट। तो घंटे की सुई कितना डिग्री एंगल चली है, तो घंटे की सुई जो एंगल चली है आवर एंड, एक घंटे में कितना चलती है, एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60। तो क्या करोगे, 2 × 60 या 60 × 2, 60 × 2, लेकिन और चली है कितने मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट में 0.5 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/2। घंटे की सुई कितना चली, मिनट की सुई कितना चली है, अब मिनट की बात कर लें, मिनट की बात करो, मिनट की सुई 2:30, तो 12 पे होगी, यहां से यहां तक आने में 30 ही मिनट तो लगे हैं, 12 बजे सही, तो मिनट की सुई को 12 से शुरू करूंगा, 12 से यहां तक आने में कितने मिनट लगे, 30 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, 30 मिनट में 30 × 6 डिग्री। इनके बीच का क्या चाहिए होता है, डिफरेंस। तो जब इनके बीच का डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस करें, तो ये 60 × 2 रखा रहेगा, ये 30/2 है और ये 30 × 60 है, इसमें एलसीएम लो, घटाओ इन्हें आपस में, तो ना घटाओगे तो 30 तो कॉमन ही आ गया दोनों से, 30 तो दोनों से क्या होगा कॉमन, बचेगा क्या 6, डिफरेंस 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया, 60 × 2 30, 6 × 12 = 1 गया 11/2। तो ये वही फॉर्मूला बन गया ना, यही फॉर्मूला, एलसीएम ले लो 30 × 60 हो जाएगा, ये 30 आएगा, यहां 60 कैसे हो गया, 30, 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 30 × 60, 30 × 60। अब इसमें एलसीएम लोगे 2 से, तो ये 30 × 60 h हो गया, तो ये एलसीएम लोगे तो वही हो जाएगा 60 h डिफरेंस m 11 by 2 m। तो ये उन्हीं दोनों फॉर्मूले, उन्हीं दोनों स्पीड वाले फॉर्मूले ना, उनसे ही बनता है ये। अंकित, फॉर्मूला कैसे बना, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, अब समझ में आया अंकित, या अब भी नहीं आया बताओ। इसमें 2 से एलसीएम ले लेते हम ज्यादा से ज्यादा, तो ये कितना, 30 × 60 × 2 डिफरेंस 11 × m/2। यही तो बन गया फॉर्मूला, तो ये बेसिक किया तो उससे फॉर्मूला बन गया। तो बार बार बेसिक क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाया करेंगे, यहां से सीधे आंसर आ जाया करेगा। बताओ अंकित, जल्दी कमेंट करो, अब समझ में आया फॉर्मूला या अभी नहीं आया, फिर और कुछ देखूं मैं। हाँ जी, और आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, खत्म कहानी, क्लियर। तो आंसर आ गया इसका 2:30 बजे का, 8:30 बजे घंटे मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा, 8:30 बजे घंटे मिनट की सुई का एंगल कितना, 75।
सही है, 8:30 बजे घंटे की और मिनट की सुई का एंगल 75 डिग्री। ठीक है, देखो 8:30 बज रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, 60H 11m/2, यही तो है ना, 60H 11m/2। विष्णु समझ में नहीं आया, अंकित तुम्हारे आ गया, बहुत बढ़िया, चलो दोबारा समझा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या था, 60H 11m/2। तो ऐसा करो, ये घंटे की मिनट इसमें गुणा करो 60 से, 8 × 48 480, इसमें करेंगे 11 से 330, इनका डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस 150, 150 बटे दो डिवाइड बाई 2 भी तो रहता है, अरे 60H 11m/2, आंसर 75 हो गया। ऐसे तो लगाओगे, या तो स्टेप बनाओगे तो फालतू के स्टेप बनेंगे, वो सबकी जरूरत नहीं है, सीधा काम करेंगे। ठीक है, क्या 60H 11m/2 आंसर। अगला सवाल, एक दो सवाल करेंगे सब समझ जाओगे। अगला क्या है, 4:30 बजे, 4:30 कितने डिग्री का एंगल होगा, सॉल्व करो 60H, तो इसमें गुणा करोगे 60 से, इसमें करोगे 11 से, तो 6×6=240, 11×3=330, इनके डिफरेंस में 2 से भाग लगाना है, 2×4=330, 190/2, 90/2 मतलब कि 45 डिग्री का एंगल हो गया, आसान है। घंटे में 60 से, मिनट में 11 से, डिफरेंस बाई 2, सही है। और 2-3 सवाल करते हैं स्पीड से, सब हो जाएगा। अगला, 7:46:4/11 मिनट हो रहे हैं। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा जल्दी सा हो जाए, जैसे यही है तो 7:00, इसमें गुणा कर लो, 11×66, 66 और 4 70 का जीरो हासिल में 7, 11×44, 44 और 7 51/11। आई बात समझ में? अब क्या करना है, अब ये करना है, इस वाले में किससे गुणा, इस वाले में 60 से, इस वाले में 11 से, ऐसे करते हो ना, घंटे में 60 से, मिनट में 11 से, तो 7×6=42, 420, 11 से 11 घटा 510, डिफरेंस बाई टू, भाई घंटे में 7 से, मिनट में 11 से, 11 से 11 कट गया, सही है। और ये हो गया 7×42, 420, 420 510, 90/2 45, सोच लिया मन में, तो आंसर कौन हो गया 45, कोई दिक्कत, एबीसीडी करवा लो, ए वाले लोग 45 कर दिया, गुमराह सबको तुमने, 45, 315, 300, डी, एक बार ध्यान रखना, हमेशा किसी भी सुई में, सुई के बीच में जो एंगल बनते हैं, कभी एक एंगल नहीं बनता, हमेशा दो बनते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, अंतःकोण बाह्यकोण, कभी भी किसी भी टाइम पे दो एंगल बनते हैं, लेकिन हमें एक ही देना होता है बेसिकली, अंदर वाला छोटे वाला, कोई और वो कोई पॉइंट ना डाले, अगर ऐसे ऑप्शन देगा तो ध्यान रखना पड़ेगा ना इस बात को। देखो जैसे मान लो इस टाइम पे कितने डिग्री का एंगल बना था, कितने डिग्री था, 105, 105 का एंगल है, 105 डिग्री का एंगल है। अच्छा पूरा सर्कल कितने का होता है, 360, जब 360 में एक एंगल 105 का है तो दूसरा एंगल 255 का, ये भी एंगल तो इन सुइयों के बीच का ही है, ये भी तो सुइयों के बीच का ही एंगल है, या बाहर का एंगल है कहीं का, अरे सुइयों के बीच का ये भी तो एंगल है, तो हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला एक आंसर देता है,
दूसरा आंसर 360 में से घटाने से आता है। ये फॉर्मूला हमेशा एक आंसर देता है, दूसरा आंसर 360 को घटाने से आता है, सही है। तो 105 ऐसे मोस्टली क्या होता है, 105 ही गिवन होता है, तो टिक किया खत्म कहानी। कभी कभी दोनों ऑप्शन होते हैं तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक 45 का है तो एक 315 का भी तो है पिछले वाले में। तो इस सवाल में जब आप देखोगे एक एंगल 45 का है, जब एक 45 का है तो दूसरा एंगल 315 का भी तो है, और दोनों ही ऑप्शन में है ए और बी, तो आंसर डी देंगे ना, ए और बी दोनों। आई बात समझ में? लेकिन 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 ये हो गया। मान लो सेम क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता और सवाल ऐसा होता, घड़ी में इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का न्यून कोण। एक शब्द पढ़ाया था इसमें, एक्यूट एंगल। सेम क्वेश्चन है और एक शब्द पढ़ा दिया क्या उसने, एक्यूट एंगल बिटवीन, जो भी टाइम दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दो एंगल बने, एक 45 का बनेगा और एक 300, तो 45 का जो एंगल है ये तो न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये एक्यूट है, लेकिन 315 तो कौन सा कोण होता है, 315 है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, 180 को पार कर गया, रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण, तो ये कौन सा है, ये है बृहत कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, और हमसे पूछा है एक्यूट एंगल। तो अब आंसर ये नहीं होगा 45 ही होगा, शब्द को पढ़ लेना ध्यान से, जब कोई जिक्र नहीं किया एंगल का, कोई नाम नहीं बोला, तो दोनों ही सही है, सिर्फ पूछा एंगल बताओ, एंगल बताओ तो एंगल तो दोनों ही है, बोला एंगल बताओ तो एंगल तो दोनों ही है, तो ऐसी पोजीशन में आंसर होगा ये, लेकिन उसने कोई नाम जोड़ दिया तो फिर तो उस नाम के अकॉर्डिंग काम करोगे कि अब भी दोनों लगाओगे, गलत हो जाएगा। तो अगर सेम क्वेश्चन ऐसा होता कि एक शब्द बढ़ जाता न्यून कोण बताओ, तो न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है 90 तक का, एक्यूट एंगल कहां तक का होता है 90 का, और 90 से आगे निकल गया, और ये तो 180 से आगे निकल गया, ये रिफ्लेक्स एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, आपसे एक्यूट एंगल पूछ रहा है, तो आप 315 नहीं बोलोगे, 45 ही बोलोगे, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना, अब 45 ही आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना, यानी कि आंसर निकालना अलग बात है, टिक करना है, दूसरी बात है, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी बारीकी से। किसको बात समझ में नहीं आई, कोई परेशानी? चलो एक परेशानी हो सकती है, वो खत्म कर दूं मैं फटाफट से, लिखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 200, 70 डिग्री, 360 डिग्री। 0 से 90 के बीच न्यून कोण, न्यून कोण ठीक, 90 पे जाके समकोण, राइट एंगल, 90 से 180 के बीच अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, 180 पे जाके सरल या रिजु या स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 के बीच पूरा बृहत कोण, ठीक 360 पे जाके पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण या कॉम्प्लीट एंगल, ये नाम होते हैं, क्योंकि नाम जब बोलेगा उसी हिसाब से, उसने कहा न्यून कोण तो 0 से 90 के बीच वाला देना है, अधिक कोण 90 से 180 के बीच वाला, बृहत कोण 180 से 360 के बीच वाला, और कोई नाम नहीं है तो दो ही आंसर होंगे, अब वो ऑप्शन में देख लेना कौन सा बेहतर होगा, सही है, या फिर वो ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों। तो आज भैया आपको क्या करना है, एंगल पे काम करना है, कौन कौन से एंगल, बेसिकली हमने 4 एंगल पढ़े हैं, नंबर 1 केवल घंटे की सुई का एंगल, केवल, नंबर 2 केवल मिनट की सुई कितने एंगल चलेगी, नंबर 3 केवल सेकंड की सुई कितने एंगल चलेगी, नंबर 4 घंटे की और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना
होगा। ये चार पॉइंट क्लियर हुए हैं। कोई सी किताब उठाओ, चार तरह के सवाल करो, जो ना हो उसका फोटो खींच के रख लेना, देखूंगा बाद में तुझे, फिर देखेंगे ले आना यहाँ पे, सही है। तो आज इतना ही, बाकी बातें कल। अच्छा फाइल सेव कर।